हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉरएवर। आज हम एक बड़ी मज़ेदार पंजाबी की सब्जी बनाएंगे जिसका नाम है पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला एक बहुत ही फेमस पंजाबी सब्जी है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना उतना ही सिंपल है। तो अगर आप भी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसे आप बटर नान या गार्लिक नान या कुलचा वगैरह के साथ खा सकते हो। तो अगर आपको देखना है कि बटर नान कैसे बनाई जाती है तो उसके वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं पनीर बटर मसाला कैसे बनाया जाता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ नए नए फूड रेसिपीज वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 200 ग्राम चॉप किया हुआ पनीर, इसे मैंने ऐसे क्यूब्स में कट किया हुआ है, आप चाहो तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हो। फिर हमें चाहिए 4 से 5 बड़ी साइज के टोमेटोस, जिसे हम ऐसे रफली कट कर लेंगे। फिर हमें चाहिए 1 चॉप किया हुआ ओनियन, 3 से 4 ग्रीन चिलीज, जिसे हम ऐसे बीच में से स्लिट कर लेंगे। फिर हमें चाहिए 10 से 12 गार्लिक क्लोव्स, 1 छोटा सा जिंजर का टुकड़ा, थोड़े से होल स्पाइसेस, मैं यहाँ पर सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी, ब्लैक क्लोव्स यानी कि लौंग और इलायची का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर हमें चाहिए 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, 2 टेबलस्पून काजू यानी कि कैश्यू नट्स, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी यानी कि फेनुग्रीक लीव्स, 2 टीस्पून क्रीम यानी कि मलाई, 1/4 कप बटर, 1/2 टेबलस्पून शुगर और स्वाद अनुसार नमक। तो सबसे पहले हम प्यूरी बना लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड यानी कि जीरा ऐड कर लेते हैं और इसे हमें स्लटर होने देना होगा। जीरा जब स्लटर होने लगे तब हम इसमें 2 स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज, 10 से 12 गार्लिक क्लोव्स, 1 जिंजर का टुकड़ा और थोड़े से होल स्पाइसेस डाल के इसे हम सौते कर लेते हैं। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1-2 मिनट तक सौते कर लेना होगा। अब हम इसमें 4 से 5 चॉप के टोमेटोस, 1 चॉप के हुआ ओनियन और 2 टेबलस्पून काजू यानी कि कैश्यू नट्स डाल के इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप जितना पानी ऐड कर लेते हैं, इसे भी हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे कवर कर लेना होगा और इसे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। इसे हम ऐसे बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुकी है तो इसे हम एक बार वापस मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और जब यह ठंडा हो जाए तो इसे हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेना होगा और फिर हम इसे ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना लेनी होगी। ये देखिए प्यूरी रेडी हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और फिर हम उसमें 1/4 कप बटर ऐड कर लेते हैं। इस रेसिपी में हमें ज़्यादा बटर लगता ही है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/4 कप बटर यूज़ किया हुआ है। आप चाहो तो थोड़ा सा कम बटर भी यूज़ कर सकते हो। बटर जब मेल्ट हो जाए तब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून जिंजर चिली पेस्ट और 2 से 3 स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज ऐड करके इसे हमें मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 1 मिनट तक सौते कर लेना होगा। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर लेते हैं और इसे हमें तुरंत मिक्स कर लेना होगा ताकि रेड चिली पाउडर जल ना जाए। अब हमने जो प्यूरी बनाई हुई थी वो इसमें ऐड कर लेते हैं और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। अब हम इसे कवर कर लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो चुकी है तो इसे हम एक बार वापस स्टर कर लेते हैं। अब हम इसे 200 ग्राम पनीर के क्यूब्स ऐड कर लेते हैं। और फिर हमें इसे मिक्स कर लेना होगा।
अब हम इसे वापस कवर कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक और पकाएंगे ताकि पनीर अच्छे से कुक हो जाए। 5 मिनट हो चुकी है, तब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को ऐसा हाथों में लेकर क्रश करके डालेंगे। और फिर हम आधा टेबल स्पून शुगर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम सबसे एंड में 2 टीस्पून क्रीम यानी कि मलाई ऐड कर लेते हैं और इसे भी हमें मिक्स कर लेना होगा। पनीर बटर मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो इसे हम एक और बार कवर कर लेंगे और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 2 मिनट हो चुकी है और पनीर बटर मसाला रेडी है। ये खाने में सच में बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आप इसे गर्मा गर्म बटर नान के साथ सर्व कीजिए। एंड आई एम श्योर आपके फैमिली और आपके बच्चों को ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।